उत्तरी भारत की प्रसिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में एक माह तक चलने वाले चैत्र माह मेलों का समापन हो गया है। इस दौरान मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोरोना के चलते सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि प्रदेश के किसी भी मंदिर में सराय और लंगर पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस दौरान श्रद्धालुओं को काफी समस्याओं से दो चार होना पड़ा, लेकिन महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज ने श्रद्धालुओं के लिए पैक्ड फूड की व्यवस्था का जिम्मा उठाया, जिसकी इलाके में जमकर सराहना की जा रही है। वहीं श्रद्धालुओं ने भी इस कार्य के लिए महंत का तहे दिल से आभार जताया है। उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर में चैत्र माह मेलों का समापन हो गया है। एक माह के दौरान श्रद्धालुओं को काफी समस्याएं पेश आईं। बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज ने बार बार प्रशासन से आग्रह किया कि SOP के तहत सराय और लंगर व्यवस्था को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाए, मगर मंदिर प्रशासन इसके लिए टस से मस्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी महंत राजेंद्र गिरिजी महाराज ने श्रद्धालुओं की पीड़ा को समझा और श्रद्धालुओं के लिए पैक्ड फूड की व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को सुविधा मुहैया करवाई। वहीं श्रद्धालुओं ने भी इस व्यवस्था के लिए दियोट स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र गिरिजी महाराज का आभार जताया है। वहीं देहरादून से बाबा बालकनाथ मंदिर माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालु सुभाष सैनी ने बताया कि मंदिर में लंगर कई व्यवस्था न होने के चलते उन्हें परेशानी पेश आई, लेकिन महंत राजेंद्र गिरिजी महाराज द्वारा श्रद्धालुओं के लिए पैक्ड फूड की व्यवस्था कर बहुत बढ़िया काम किया, जिसके लिए वे महंत राजेंद्र गिरिजी महाराज का आभार व्यक्त करते हैं। जय बाबा बालकनाथ जी की। चैत्र मेले का सुख शांति से समापन हुआ। हम अपने महंत श्री श्री 1008 राजेंद्र गिरी जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करते हैं, जिन्होंने कोरोना की इस महामारी में दूर दूर से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रखा। बाबा जी सब पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। जय बाबा बालकनाथ। वहीं बाबा बालकनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र गिरिजी महाराज की माने तो प्रशासन के पास लंगर खोलने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोविड के चलते मंदिर प्रशासन ने सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया, मगर श्रद्धालुओं की पीड़ा को नहीं समझा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने श्रद्धालुओं की मदद से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पैक्ड फूड की व्यवस्था मुहैया करवाई। वहीं महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज ने मंदिर प्रशासन और DC हमीरपुर से गुहार लगाई है कि दियोट स्थित मंदिर में 10 करोड़ लागत से आधुनिक लंगर भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है, लेकिन लंगर भवन का किचन काफी पुराना है, उसका भी आधुनिकीकरण किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मंदिर में प्रशिक्षित स्टाफ की नियुक्ति की जाए, जिससे स्थानीय युवाओं को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जैसा कि अभी भी लंगर बंद है, तो हमारा जो है लंगर भवन जो है कि 10 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारा किचन है वो फिर पुराना ही है। तो मैं उपायुक्त महोदय से अपील करता हूँ कि जब हमारा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन के तैयार है, तो क्यों ना आप जो है किचन को भी इतने जब तक बंद है उस समय का सदुपयोग करते हुए उसको जो है मॉडिफाई करें। आज का युग जो है वो तकनीकी का युग है, तो आप देखते हैं बड़े बड़े संस्थानों में जो है इलेक्ट्रिकल जो है किचन बने हुए हैं, खाना बनाना पकाना है, बड़े उपकरणों में बिजली के माध्यम से बड़ी बड़ी मशीनें हैं खाना बनाने की, चपातियां बनाने की। तो आप जरूर इस चीज़ को हमारी भक्तजनों की विनती समझकर जल्दी से जल्दी जो है जब भी मंदिर खुले और लंगर भवन का उद्घाटन हो, तो इन तकनीकों का प्रयोग करते हुए जो है उस किचन को तैयार करें, जिसमें कि 10-20-50 हज़ार लोगों का खाना जो है जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। उसमें खाना भी जल्दी तैयार होता है। हाँ, लंगर भवन में स्टाफ की कमी है, तो आप तकनीकी युग आज जो है होटल मैनेजमेंट से जो है युवाओं को हायर करें, और उन एक तो उनको रोजगार मिलेगा, और जो तकनीकी यहाँ पर जो यूज किया जाएगा उसका उनको पहले प्रशिक्षण दिलाया जाए, ताकि जब भी लंगर बने खुले और नए तकनीकी से हो, और युवाओं को एक तो रोजगार भी मिलेगा। अगर हम अब एक युवाओं को रखते हैं, नई तकनीक को प्रयोग करते हैं, तो
हमें 30-40 साल तो ऐसी कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली कि खाना बनाने खाने रखने के लिए। जैसा कि आज बाबा जी के चैत्र मेले का समापन हुआ, लेकिन इस कोविड महामारी के चलते इस बार यात्रियों को बहुत सारी असुविधाओं से गुजरना पड़ा। लेकिन इसी बीच हम परम पूजनीय महंत श्री श्री 1008 महंत श्री राजेंद्र गिरि जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपनी ओर से सभी यात्रियों के लिए एक मुहिम चलाई, जिसमें उन्होंने यात्रियों के लिए खान पान और भोजन की व्यवस्था का प्रबंधन किया, और इसी साथ साथ और भी बहुत सारे श्रद्धालुओं ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो हम बाबा जी से यही मंगल कामना करते हैं, बाबा जी का और महंत जी का आशीर्वाद इसी तरह सभी श्रद्धालुओं पे बना रहे, और प्रशासन से अनुरोध करते हैं आने वाले समय में और ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण किया जाए, ताकि हम विपरीत स्थितियों में भी व्यवस्थाओं को स्थिर रख सकें और श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं। जय बाबी दी सभी को। मैं बॉबी शर्मा हमीरपुर से। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम हिमाचल देवभूमि में रहते हैं, और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो ये है कि यहाँ देवसिद्ध में जो भी यात्री आ रहे थे उनके खाने की व्यवस्था हमारे महंत पूजनीय महंत श्रीमान श्री राजेंद्र गिरि जी महाराज जी ने की, और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गुरु जी का कि उन्होंने सभी जो भी यात्री आ रहे थे उनकी पीड़ा समझी, क्योंकि कोरोना काल में खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनके खाने के बारे में सोचा। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। जय बापी दी।